शाहरुख खान ने 2023 में धमाकेदार कमबैक किया। साल 2023 उनके लिए बेहद शानदार साबित हुआ। उन्होंने बैक टू बैक रिलीज हुई अपनी मूवीज से बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया था। जवान और पठान ने बम्पर कमाई की थी, लेकिन तीसरी फिल्म की रिलीज के दौरान एक बड़ी गलती हो गई। बॉक्स ऑफिस पर डंकी साउथ की एक बड़ी फिल्म से क्लैश हुई, जिसकी वजह से शाहरुख खान की मूवी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। शाहरुख खान की तीसरी मूवी डंकी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस हुई, लेकिन पठान और जवान जितनी कमाई नहीं कर पाई। अगर डंकी को सोलो रिलीज किया जाता तो किंग खान की ये फिल्म बड़ी कमाई कर पाती, लेकिन सुपरस्टार प्रभास की सालार ने सारा खेल बिगाड़ दिया था। शाहरुख खान की मूवी डंकी 31 दिसंबर 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इसका डायरेक्शन सुपरहिट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने किया था। मूवी में शाहरुख खान के अलावा तापसी पन्नू, विक्रम कोचर, अनिल ग्रोवर और बोमन ईरानी ने अहम भूमिका निभाई थी। रिलीज से पहले माना जा रहा था कि डंकी बॉक्स ऑफिस पर जवान और पठान की कमाई के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह प्रभास की फिल्म सालार को माना जाता है, क्योंकि वो दूसरे दिन यानी 22 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। वैसे पहले डंकी 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सालार के कारण सोलो ओपनिंग के लिए 21 दिसंबर को चुन लिया। शाहरुख खान की डंकी ने पहले दिन दुनिया भर में 58 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और टोटल कमाई 470 करोड़ रुपए हुई। दूसरी तरफ प्रभास की सालार ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कहर बरपाया। अगर उस वक्त सालार रिलीज नहीं होती तो किंग खान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक तरफा कमाई कर जाती। प्रभास की फिल्म सालार ने ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड 176.52 करोड़ रुपए की कमाई का इतिहास रच दिया था। ए रेटिंग में इंडिया की हाईएस्ट ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसके साथ ही 2023 हाईएस्ट ओपनिंग डे का भी रिकॉर्ड प्रभास के नाम हिल रहा। मूवी में प्रभास का एक्शन अवतार छा गया था। प्रशांत नील के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी हुंकार भरी कि सब देखते रह गए थे। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजय बालन के मुताबिक प्रभास की फिल्म सालार ने दुनिया भर में 724 करोड़ रुपए का ताबड़तोड़ बिजनेस किया था। इसमें टीनू आनंद, श्रुति हासन, पृथ्वीराज सुकुमारन और जगपति बाबू ने अहम भूमिका निभाई थी। प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म सालार सिनेमा घरों के बाद ओटीटी पर भी ट्रेंडिंग पर है। अगर आप किसी वजह से इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देख पाए हैं तो इसका लुत्फ आप नेटफ्लिक्स पर उठा सकते हैं।